तो दोस्तों फाइनली रियलमी भी अपना एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन ला रही है, जिस पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट और पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, क्या रहेगी मोबाइल फोन के प्राइस और क्या होगी मोबाइल फोन की रिलीज डेट। तो दोस्तों ये जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे में दोस्तों ये मोबाइल फोन टीना की वेबसाइट पर देखा गया है, मतलब कि मोबाइल फोन की ऑनलाइन लीक्स आनी स्टार्ट हो गई है। अगर दोस्तों मोबाइल फोन की डिजाइन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि मोबाइल फोन पर हमें पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा या नहीं। अगर दोस्तों हम सामने की तरफ की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, मतलब कंप्लीट बेजललेस डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले साइज की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.5 इंच एफएसडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों रियलमी के फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों मोबाइल फोन पर सेल्फी कैमरा में पॉपअप कैमरे के रूप में देखने को मिलता है, जैसे हमें Vivo V15 Pro और Oppo Epiphone Pro पर मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें एक पावरफुल चिपसेट मिलेगा जो होगा Qualcomm Snapdragon 855, और यह मोबाइल फोन हमें दो वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। माइक्रो एसडी कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट भी हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, जिस पर हमें रियर साइड में मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिस पर हमें सोनी IMX586 सेंसर का यूज मिलेगा। दोस्तों ये सेम सेंसर हमें Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पर भी देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरे की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, मतलब कि रियलमी का फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एक बेहतरीन मोबाइल फोन रहने वाला है। बैटरी की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें 3600 mAh की बैटरी मिलेगी। दोस्तों ये मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर लेता है। ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और कलर OS 6.0 देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं मोबाइल फोन की रिलीज डेट और प्राइस की। तो ऐसे में दोस्तों रियलमी के फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के प्राइस अप्रोक्स हो सकते हैं 20 से 25 हजार रुपए के बीच में। अगर दोस्तों रिलीज डेट की बात की जाए तो दोस्तों अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल कंफर्म डेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ दिनों बाद ये मोबाइल फोन हमें टेक बाजार में देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों ये मोबाइल फोन किस तारीख को किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाता है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।